इस बात में कोई शक नहीं है कि आज का आधुनिक मानव तकनीक हो या उस तकनीक को अंजाम देने वाली सोच के लिहाज से काफ़ी आगे बढ़ चुका है, इतना आगे कि वह बाहरी दुनिया से आए किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, आज का मानव अपने हर काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए खुद के टेक्नोलॉजी पर निर्भर है, लेकिन आज के आधुनिक दुनिया में जी रही उसकी सोच कुछ क्षण के लिए अतीत में चली जाती है। वो सोचता है कि उसका अतीत कैसे रहा होगा, उससे यहाँ तक पहुँचने के लिए कैसे कैसे मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा होगा, मानव इतना आधुनिक और समृद्धवान कैसे बन गया। कभी ना कभी आपके मन में ऐसे सवाल आए होंगे, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम अतीत की यात्रा करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज डबराल और आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री कैपिटल। माना जाता है कि आज से 40,000 साल पहले मानव का आधुनिक विकास का प्रारंभ यूरोप से शुरू हुआ था। अपने प्रारंभिक समय में जिंदा रहने के लिए कभी शिकार और जंगलों में मिले फलों पर निर्भर रहा आदि मानव अब खेती करने, लकड़ी के छोटे छोटे घर बनाने के साथ साथ गिनती करके चीज़ों को याद करना जैसे छोटे छोटे हिसाब करने लगा था। तब आदि मानव वक्त के चलते अपने हर काम करने के तरीकों में तेजी से बदलाव प्रारंभ कर चुका था और धीरे धीरे समय के बदलते हुए वे बंदर से इंसान बन गए। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक हैरान करने वाली बात यह है कि हम बंदर से इंसान बने हैं तो आज के हमारे ज़माने के बंदर इंसान क्यों नहीं बनते? यह सवाल तो हमारे बंदर से इंसान बनने तक के सारे दावों को गलत साबित कर देता है। डार्विन का सिद्धांत कहता है कि धरती के वातावरण के निरंतर बदलाव होने के कारण उसमें मौजूद हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक बदलाव होता है। लेकिन दोस्तों, हमारे बंदर से इंसान बनने की कहानी को साबित करने के लिए ऐसे उदाहरण की आवश्यकता है जिससे हमें लगे कि हाँ, यह बात सच हो सकती है। 2,00,000 साल पहले इंसान लगातार पैरों पे खड़े होने के लायक बन चुका था, जबकि आज के बंदर और चिंपैंजी अपने बैलेंस को बनाए रखने के लिए आज भी पैरों के साथ साथ उनके दोनों हाथों पर भी निर्भर हैं। लेकिन यहाँ पर मिसिंग बात कौन सी है जो हमें सवालों के कटघरे में खड़ा कर देती है? दोस्तों, इस एपिसोड से हमें पता चलता है कि आदिमानव से आधुनिक मानव तक, यानी कि हम बंदर से ही इंसान बने हैं। और रही बात आज के ज़माने के चिंपैंजी की, इन्होंने आदिमानव के जन्म लेने के लाखों साल बाद धरती पर जन्म लिया होगा और उनका विकास अभी प्रारंभ हुआ होगा। दोस्तों, बंदर और आदिमानव के बारे में और भी बहुत थ्योरीज हैं, लेकिन फिलहाल आज के लिए ही बस इतना ही। धन्यवाद।